पिछले दिनों निर्वाचित मथुरा बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष पद पर अवधेश सिंह चौहान को विजय हासिल हुई थी और सचिव पद पर विशाल सिंह विजयी रहे थे। उपाध्यक्ष पद पर विजेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, जबकि संयुक्त सचिव पद का चुनाव पूजा वर्मा ने जीता था। कोषाध्यक्ष पद पर विजेंद्र सिंह विजयी घोषित किए गए थे और ऑडिटर पद पर संजय शर्मा को पूर्व में ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। इस प्रकार से इन सभी आधा दर्जन पदाधिकारियों को बार एसोसिएशन के बोहरे कन्हैयालाल सभागार में शपथ ग्रहण कराई गई। शपथ लेता हूं या लेते हो कि मैं बार एसोसिएशन मथुरा के संविधान का अनुपालन करूंगा और बार एसोसिएशन मथुरा के हितों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा एवं अपने पद और संस्था की गरिमा को बनाए रखें। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बार का सम्मान, बार की इज्जत, बार की गरिमा सभी को हो जाए और जो शपथ लिए हैं नव निर्वाचित पदाधिकारीगण समस्त आगे वाली सीटों पर व्यवस्थित हो जाए। श्री राजकुमार उपाध्याय जी, आपने पूरे वर्ष कुशल पूर्वक संचालन किया, उसके लिए मैं आपका आभार लोगों को धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं ये बड़ी उम्मीद के साथ मेरे सदस्यों ने चुना है, मैं बार एसोसिएशन मथुरा का सचिव हूं और हमारे अध्यक्ष जी ने आज कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, क्योंकि आज हमारा ओथ सेरेमनी थी, उसमें अध्यक्ष जी माननीय अध्यक्ष जी ने पहले पुराने हमारे एक साथी को निष्कासित कर रखा था, विजयपाल सिंह तोमर, जो पूर्व दो बार के अध्यक्ष थे और जवाहर बाग का जो उन्होंने खाली कराने का श्रेय उनको ही जाता है, वो हमारे किसी प्रकार से उनको निष्कासित कर रखा था, उनका निष्कासन रद्द करते हुए उनको बहाल किया, सदस्यता उनकी बहाल करी है और कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था दो साल पहले उसको अमेंडमेंट को खत्म करते हुए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था तो वो ऑलरेडी सभागार में ही आज की सभा जो हुई उसमें समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा हमारे अध्यक्ष जी ने कुछ घोषणाएं करी हैं, हमने भी कुछ घोषणाएं करी हैं। सबसे पहली घोषणा हमारी इसमें यह है, सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत नेसेसरी है और उसको हम 10 दिन के अंदर करा देंगे, ठीक है। इसमें अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है आज, वो सबसे बड़ा निर्णय ये है कि 3 साल तक की प्रैक्टिस वाले जो अधिवक्ताएँ हमारे उनसे कोई भी चंदा नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी काफ़ी घोषणाएँ की हैं अध्यक्ष जी ने और जिसके लिए हमें चुना है हमारे सदस्यों द्वारा, हम उस पर पूरी तरीके से खड़ा उतरेंगे और अपना हर समय उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और अगर कोई भी उनके परिवार पर उन पर कोई भी समस्या आती है तो ये हमारा दायित्व रहेगा कि उनके परिवार की और उनके सदस्यों की खुद की हम रक्षा करें, सुरक्षा करें हर तरीके से। धन्यवाद। बार की गरिमा और अपने अधिवक्ताओं का मेम्बरान होते हैं हमारे पास मेम्बरान, हर कार्य को ध्यान में रखते हुए सभी के सहयोग से मैं आगे बार हित और अधिवक्ता हित में सभी को साथ हूँ।